यूपी के जिला गाजियाबाद में ठंड बढ़ते ही स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है, जहां स्वाइन फ्लू के मरीजों ने अस्पताल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी सचेत हो गया है। आपको बता दें कि जिले में 10 मरीजों का स्वाइन फ्लू टेस्ट कराया गया था, जिनमें से 4 की रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, लेकिन 2 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है और बाकी 4 मरीजों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। देखिए, गाजियाबाद NCR का एक बहुत प्रमुख शहर है और हमारे यहाँ दिल्ली से सर्विस करने आना जाना बना रहता है। हमारे यहाँ 2 केस अभी तक पॉजिटिव हमारे यहाँ आए हैं जो NCDC प्रूव्ड है। उसमें एक महिला है 23 साल की, जो इंटर्न है, दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में रहती, गाजियाबाद है, लेकिन वो सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इनको सिम्टम्स थे इन्फेक्शन के और OPD ट्रीटमेंट हुआ है। केवल एक हमारे यहाँ एक रामानंद शर्मा करके 72 साल के हैं, जो सर्वोदय हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके वहाँ भर्ती थे निमोनिया की शिकायत से। उनको भी यही टेस्ट हुआ तो वो उनका भी उनका पॉजिटिव आया हुआ है। हमारे टोटल 10 संदिग्ध मरीज हैं यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में, जिनका इलाज चल रहा है, और उनमें से केवल 6 के अभी हमें रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2 पॉजिटिव निकले हैं, 4 निगेटिव आए हैं, 4 अभी हमारे अवेटेड हैं। अगर हम बात करें, अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 10 बेड MSG अस्पताल में, 10 बेड जिला संयुक्त अस्पताल में और 5-5 बेड की सुविधा स्वास्थ्य केंद्रों में कराई गई है, जिससे स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। गाजियाबाद में लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसे में स्वाइन फ्लू की दस्तक एक खतरनाक संकेत है। स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है और स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए प्रयास में जुट गया है। पंजाब केसरी TV के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।